Hi, this is Farag. Hi, and this is Sajit. And you're watching Bollywood Hangama. अच्छा साजिद फरहान, आप लोग प्लीज ये बताएं दैट यू हैड अ स्ट्रिंग ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स एज राइटर्स एज वेल एज डायरेक्टर्स. आई थिंक इंटरटेनमेंट आपकी पहली फिल्म थी, पर्सनली मुझे बहुत मजा आया. एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू ऑन कैमरा के मैंने जब भी आपको देखा है एंटरटेनमेंट के बारे में, आपने उसकी बहुत तारीफ की है. यू हैव लव्ड द फिल्म एंड ऑल्सो यू हैव टॉक्ड अबाउट द टीआरपी इन द टेलीविजन. करेक्ट. सो आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड दैट वी हैव फ्रेंड्स लाइक यू एंड ऑल्सो अ वेरी ऑनेस्ट फ्रेंड. देखिए, बट द थिंग इज कि मैं आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कैमरा, इट्स नॉट अबाउट बीइंग फ्रेंड्स. आई बी ऑनेस्ट अबाउट, आई एम अ व्यूअर फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं उसको वो भी बोलूंगा. तो वही तो बोल रहा हूं ना, मुझे पसंद आई पिक्चर. ऑनेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूं ना. आई एंजॉयड इट एक्चुअली. ऑनेस्ट आप व्यूअर बोल सकते हैं. हां ठीक है, व्यूअर डाल देता हूं. मतलब फ्रेंड्स हम ऑफ कैमरा होंगे. बराबर. बिकॉज़ ये आई रियली लाइक द फिल्म. आई सॉ इट फर्स्ट ऑफ ऑल एट अ प्रेस स्क्रीनिंग, देन आई सॉ इट विद माय फैमिली एज वेल. जी एंड आई रियली एंजॉयड इट. And I was happy with the fact that it did so well on satellite, and it still does well whenever it comes. Now, my question was that कहीं कही ना कहीं दिलवाले का जो response उतना नहीं मिला कहीं ना कहीं. क्या आप लोगों को अफसोस होता है? Because काफी सारी चीजें भी रही हैं उसके साथ में. But लेकिन writing का मतलब कुछ लोगों का मानना था कि that certain portions बहुत interesting थे, entertaining थे. Certain portions जितने कि चेन्नई एक्सप्रेस में एक जो element जी, था जी, humor का, वो शायद थोड़ा सा उस level पे. इसमें खैर ड्रामा और सीरियसनेस थोड़ी ज्यादा थी भी वैसे भी. बराबर. तो क्या आप जब तारीफ होती है, द सेम टाइम अगर कभी क्रिटिसिज्म होता है तो आप लोग कैसे, हाउ डू टेक इट? यू फील बैड फॉर श्योर दैट इस बार थोड़ी चूक हुई या उस बार तुक्का लग गया, बट यू फील बैड. बट आई थिंक सो यू लर्न फ्रॉम दैट. यू लर्न फ्रॉम दैट और यू रिविजिट योर जोन एंड ट्राई टू इम्प्रूव. तो हम लोग का भी ऐसे ही. और कभी भी सक्सेस फॉर्मूला होता नहीं है. यू ट्राई योर बेस्ट, यू ऑनेस्टली डू, ईमानदारी से करते. हाँ, बट कभी कुछ चीजें इधर उधर होती है एंड वी ट्राई टू इम्प्रूव इट. सो यस, ऑफ कोर्स थोड़ा बुरा तो लगता ही है ना, क्योंकि पूरी मेहनत लगी हुई है साल भर में. बिल्कुल. तो ओके, देखिए जैसे मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या होता है कि कुछ फिल्में होती हैं मतलब आती हैं चली जाती हैं, अगर कामयाब हुई तो ठीक है, अगर कामयाब नहीं हुई तो ठीक है. लेकिन क्या जैसे से फॉर एग्जांपल शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है दुनिया भर में, बहुत ज्यादा उनके फैंस हैं और कहीं ना कहीं काफी लोगों ने इनफैक्ट मुझे मैसेजेस भी भेजे हैं कि दिलवाले से रिलेटेड, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. तो क्या आपको लगता है एक पिक्चर के आने के बाद, एक तो खैर उसके साथ जो सारा का सारा मसला रहा जिस तरीके का, रिलीज़ होने नहीं दिया गया कुछ जगहों पे, उससे भी खासा असर पड़ा. तो क्या आपको लगता है कि दैट इट्स लाइक अ वेकअप कॉल इन अ वे एज वेल, कि यार जितना ज़्यादा आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है तो और ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं कहीं ना कहीं, कि यार दैट समथिंग लाइक अ शाहरुख खान फिल्म है जो भी. नहीं, इतना मैं बोलूँगा कि लेट इट बी एनी वन. ऐसा नहीं कि शाहरुख खान फिल्म है तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाए. हर फिल्म की एक्सपेक्टेशंस एक पब्लिक बना लेती है. बिल्कुल. हाँ, ये राइट है आपकी बात, के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वी फेल नीचे, थोड़ा स्केल नीचे गया था. करेक्ट. क्योंकि क्या है, राइटिंग के बाद 10 ऐसी चीज़ें होती है प्रोसेस में, कहीं कहीं कुछ हो जाता है और कहीं कुछ और चीज़ निकल के आ जाती है. क्या है, खाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं लेकिन जब पक के जब खाना आता है तो वो सही कभी बैठता है. हाँ, कभी नमक ज़्यादा, कभी मिर्ची कम. बिल्कुल, हो जाता है. तो वही हुआ दिलवाले के साथ. एंड आई थिंक सो, जैसे सजीद ने बोला, वी लर्न फ्रॉम वॉट. हम लोग मैजिशियंस नहीं है, सो ऑब्वियसली वी नो हमारे द बेस्ट पार्ट इज टू नो के आपकी मिस्टेक्स क्या है. बट एक चीज़ सही है कि आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग, के मेहनत पूरी की गई है, ईमानदारी से की गई है. ऐसा नहीं है कॉम्प्लेसेंट हो गए, क्या शाहरुख है, रोहित शेट्टी है, काजोल है, वरुण है, तो बैकसीट लो, स्क्रिप्ट अपने अपनो, नो चांस. स्क्रिप्ट नहीं है तो कोई भी नहीं है, कोई भी एक्टर भी नहीं चलता, कोई स्टार भी नहीं चलता. सो मैंने तो यहाँ, बट ऑडियंस को नहीं, कुछ चीजें नहीं पसंद आई है तो फाइन, टेकन फॉर ग्रांटेड. आफ्टर ऑल माय बाप है यार, पब्लिक माय बाप है. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you.